यू सो मच. और सबसे पहले आप लोगों का थैंक यू कि आप लोग यहाँ पे आए. सिन सिटी की बात है तो मैं इस वेन्यू में फर्स्ट डे से आ रहा हूँ, जब से वेन्यू स्टार्ट हुआ है, और ये हमारी सेकंड परफॉर्मेंस है यहाँ पे. और यहाँ की वाइब इंडोर आउटडोर दोनों जगह बहुत ज़्यादा अच्छी है. मैं सिर्फ परफॉर्म करने नहीं, मैं यहाँ पे चिल करने भी आता हूँ कई बार, यश के साथ भी कई बार आया हूँ, और मैं अपनी मीटिंग्स वगैरह भी यहीं पे ही करता हूँ क्योंकि मेरे को ये जगह बहुत अच्छी लगती है. सो हाँ, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी वाइब है, बहुत पॉजिटिव वाइब है इस जगह की. नया वेन्यू है, वेरी गुड प्लेस. ये मेरा भाई अनिक, ये हमारे इलेक्ट्रो सूफी के प्रोड्यूसर हैं. जितना भी मेरी आवाज़ है जो मैं सूफ़ी गाता हूँ, जो मैं अपने बुजुर्गों से सीखा हूँ सूफ़ी कलाम जो भी, उसको एक इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक जो पीछे उनके ऐड किया है वो मेरे भाई अनिक ने किया है. सो थैंक्स टू वर्की भाई जो हमारा एकदम सपोर्ट बन के खड़े हैं, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया हम दोनों को एक्चुअली इलेक्ट्रो सूफ़ी में आने का. सो इट्स अ वेरी गुड थीम कि जैसे आप एकदम एक फायर म्यूज़िक, जहाँ आप एक पावर म्यूज़िक की तरह इसको सुन सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक के साथ आप सूफ़ी कलाम सुन सकते हैं. सो एकदम एक नया कंसेप्ट है. सो मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग एक बार आएँ तो आपको बहुत मज़ा आएगा. आई एम श्योर इट्स ब्रांड न्यू कॉन्सेप्ट. जैसे हम बात करेंगे कि ये लॉन्च है तो काफ़ी सारे यूथ लोग भी रहेंगे, तो सूफी हम जब सुनते तो काफ़ी ना, जब बहुत ही डीप थॉट वाले जो लोग होते हैं वही सूफी लोग सुनते हैं. करेक्ट करेक्ट. तो उसको किस तरह से मर्ज करेंगे, यूथ को कैसे अट्रैक्ट करेंगे? तो हमारा इलेक्ट्रो सूफी का कॉन्सेप्ट ये है कि सूफी म्यूज़िक के साथ, सूफी कलाम के साथ या सूफी सिंगिंग के साथ हम इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक जो यूथ आजकल सुनता है, इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक को कम्बाइन कर रहे हैं. तो वो दोनों टाइप की ऑडियंस को अट्रैक्ट करता है. जो सूफी सुनते हैं वो भी आते हैं, और जो जिनको डांस करना है, इलेक्ट्रॉनिक डांस म्यूज़िक हम साथ में फ्यूज़ करते हैं. तो जिनको डांस करना है, जिनको मस्ती करनी है, आज का जो नया म्यूज़िक जिनको सुनना है, वो इलेक्ट्रो सूफी में दोनों टाइप के लोग इंजॉय कर सकते हैं. सर आप क्योंकि आपने हर तरह के पंजाबी गाने हो, हिंदी सॉन्ग्स हो, आप किस तरह के सॉन्ग हमें सूफी में सुनने को मिले, क्या सूफी ही रहेगा, क्या कुछ अलग भी सुनने को मिलेगा? ये एक्चुअली सूफ़ी, सारे सूफ़ी सॉन्ग्स ही हैं, जिसमें से जैसे आफरीन आफरीन, लाल मेरी पत्थर रखी वाला, इससे सारे सूफ़ी सॉन्ग्स ही हैं. उसके अलावा भी कुछ कुछ है जो एंड में चलेंगे. सो पंजाबी सॉन्ग हैं, हिंदी हैं. सो अब मैं चाहता हूँ कि आप कल जब आएँ जब देखें तो आपको पता चलेगा कि हमने क्या पिछले इतने टाइम से जो हम मेहनत कर रहे हैं सो क्या रंग लाती है. आपके एक नए सॉन्ग भी है हद दिया लेका, तो उसके बारे में बताइए कि किस तरह का सॉन्ग है. फिल्म भी आपकी जल्दी रिलीज भी होने वाली है, उसी गाना है भी वही है, कुछ उसके बारे में बताना. मूवी रिलीज हो चुकी है जी, 3 मई को जी. और मूवी का नाम दिल दिया गल्ला जी. हमारे पंजाब के बहुत बड़े स्टार हैं परमीश वर्मा, सो उनकी मूवी है. तो उनकी मूवी में एक पार्ट आता है जहाँ पे बहुत उनका ब्रेकअप होता है, जहाँ पे एकदम लगता है ऑडियंस को कि ओ माय गॉड अभी तो रोने का मन कर रहा है, बट रोते नहीं है. तो तभी हमारा गाना चलता है तो फिर लोग रो ही पड़ते हैं. सो इट्स अ सैड सॉन्ग, बहुत सारे लोग उसको प्यार कर रहे हैं. अभी चल रहा है, मे बी 4 मिलियन क्रॉस कर चुका है, तो अभी चल रहा है. सो आप सबकी ऐसी दुआ चाहिए. बहुत ज़्यादा अच्छा गाना है वो, पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. इसने बताया भी नहीं था मुझे कि मेरा गाना है, तो मैंने इसके इंस्टाग्राम स्टोरी वगैरह पे देखा और मैं सुना, उसी टाइम मैंने कॉल किया. भाई बहुत मज़ा, दौर भी चल रहा है, लोग बॉलीवुड से ज़्यादा पंजाबी सॉन्ग बहुत सुनते हैं. Yes, तो अगर वो गाना सुनने के लिए मिल जाए. पहले मेरे भाई जसकीर धाम, जिन्होंने मुझे स्पीड रिकॉर्ड से मिलाया, और रूबी भाई जो उनकी ऑनर है, उन्होंने ये गाना ऐसे सुनते ही डाल दिया. सो आई एम रियली ब्लेस्ड, थैंक यू सो मच भाई. आपका परफॉर्मेंस हमें सिंसिटी में कब सुनने के लिए मिलेगा, दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे आप? दिस सैटरडे 18 मई रात को 9 बजे एकदम चकाचक पावर पैक परफॉर्मेंस होने वाला है. इनका म्यूजिक वैसे मुझे बहुत पसंद है, इनके म्यूजिक, इनके स्टूडियो में जाके वैसे मैं नाचता रहता हूँ, म्यूजिक बजता रहता है, मैं नाचता रहता हूँ. तो कल पता नहीं क्या होने वाला, कुछ दिमाग का ही होने वाला है. जब भी मतलब म्यूजिक बनाना, ऐसे म्यूजिक बनाने के लिए नहीं बैठते, मस्ती के लिए बैठते हैं, बन जाता है साथ में म्यूजिक. और बस आप कल देखिए, अब जब आएंगे सब प्लीज आइए और देखिए क्या है हमारे पास. इट्स के लिए 90 मिनट्स परफॉर्मेंस. यस, बट डोंट मिस इट. बस थैंक यू सो मच. थैंक यू पारुल जी, थैंक यू सो मच.
आर के भाई ओके रोलिंग ओके सो वी वुड लाइक टू थैंक गो लाइव टैलेंट एंड रिकॉर्ड्स फॉर ब्रिंगिंग अस एंड थैंक यू सो मच टू वार के पाजी जो उनका पूरा सपोर्ट हमें मिल रहा है और गो लाइव की पूरी टीम का इनफैक्ट जो सपोर्ट मिल रहा है और जिस तरीके से वो जितने डेडिकेटली काम कर रहे हैं हमारे गिग्स के लिए तो थैंक यू सो मच टू दैम वार की भाई एंड नितिन भाई थैंक यू